हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कवर करेंगे। ये चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसी के साथ साथ ओलिगोपोली, ये सारे डिस्टिंग जो क्वेश्चंस आपने पढ़े वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो डिस्टिंग्विश है, इसमें से एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर के डिस्टिंग्विश हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते होंगे। अगर नहीं देखते और देखने से पहले ही आप डाउनलोड कर लेते हो, तो भाई साहब, आप लोगों से गुजारिश है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे इस चैनल की रीच रुक जाएगी और यह चैनल आगे बच्चों को प्रमोट नहीं करता YouTube। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल की रीच मत रोकिए। ये वीडियोस कभी भी डिलीट नहीं होने वाले। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी अपने इस चैनल पर शिरकत करके आप उसको देख सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको डेली MCQs के साथ साथ डेली लेक्चर्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी नोट्स यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, वो सारे नोट्स भी आपको वहां पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के डिस्टिंग्विश की। सबसे पहला डिस्टिंग्विश हम लोग लेना चाहेंगे लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड होता क्या है? शॉर्ट पीरियड मतलब जिसकी जिस मार्केट की उम्र, मार्केट की बात करेंगे तो हम लोग मार्केट की बात करें। शॉर्ट पीरियड रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, ऐसा टाइम पीरियड जो एक साल से अंदर हो। अगर ये एक साल के ऊपर गया ना, तो ये लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग? ये लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा लेकिन पांच साल से कम, यानी अप टू 5 ईयर्स। तो लॉन्ग पीरियड ज्यादातर कितना? 1 से 5 सालों का होता है। शॉर्ट पीरियड लेस देन 12 मंथ्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड फर्म्स कैन ओनली मेक एडजस्टमेंट इन इनपुट लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मार्जिनली। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फर्म्स होती है वो इंटरनली या फर्म के बेसिस पर एडजस्टमेंट करती है, किसके लिए? लेबर्स के लिए, ताकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज कर सके मार्जिनल बेसिस पर। पर लॉन्ग पीरियड में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग पीरियड के अंदर फर्म्स आर मेकिंग एडजस्टमेंट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब्सटेंशियली। मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आप सिर्फ लेबर में एडजस्टमेंट करना पसंद करते हो, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों में आप एडजस्टमेंट करना पसंद करते हो। शॉर्ट पीरियड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर मोरली लाइकली टू बी फिक्स। मतलब यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करते हैं, वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है। सेम लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल, क्योंकि हम लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई कि हमें कितना सप्लाई, इफ वी वॉन्ट टू सप्लाई मोर गुड्स एंड सर्विसेस, तो भाई साहब हम अपने जो भी फैक्टर्स है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको इस डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजेनियस गुड्स टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एट अ यूनिफॉर्म प्राइस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होमोजेनियस गुड्स में डील करते हैं, किसको? टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। डिफिकल्टी मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ मार्केट वेयर सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल सेलर और अ प्रोड्यूसर, दैट इज मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली के अंदर कितना माल सप्लाई करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? सिंगल सेलर। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। उस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक ही सेलर उस पूरे मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं। डिफिकल्टी
देर आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली देर आर ओनली वन सेलर. द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड होमोजेनियस. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट होमोजेनियस होते हैं. मोनोपोली द प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. सप्लायर की मर्जी है वो क्या सप्लाई करना चाहता है, कितना सप्लाई करना चाहता है और कैसे सप्लाई करना चाहता है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बट मोनोपोलिस्ट में देर आर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बट मोनोपोली में देर इज अ रेस्ट्रिक्शन. वो किसी और को आने देता नहीं है क्योंकि उसका कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाएगा. कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाएगा तो वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. द सेलर एंड बायर्स आर द प्राइस टेकर्स. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है, इसीलिए जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं. दे आर नॉट द प्राइस मेकर, दे आर द प्राइस टेकर्स, लेते हैं. बट मोनोपोली द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय सेलर. कितना लेना है, कैसा लेना है, वो खुद कौन डिसाइड करता है, सेलर डिसाइड करता है. ही इज अ प्राइस मेकर एंड द बायर आर द प्राइस टेकर्स. जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर है. किसी कमोडिटी पर 2 रुपया ज्यादा लेना, 3 लेना, 10 रुपया, 20 रुपया ज्यादा लेना, वो सेलर खुद डिसाइड करता है एंड बायर को वो प्राइस पे करना ही पड़ता है बिकॉज ही इज द प्राइस टेकर, सेलर इज अ प्राइस मेकर. डिफिकल्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. Monopoly refers to the form of a market where the supply of a commodity is under the control of a single seller or a producer. Monopoly एक ऐसा market condition होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा market एक ही particular person के इर्द गिर्द घूमता है, एक ही particular person पूरे market को control करता है, जिसे हम monopolist कहते हैं, single seller कहते हैं, single producer कहते हैं. But monopolistic competition में ऐसा नहीं होता. Monopolistic competition refers to a competition among a large number of a seller producing the close but not perfect substitute. मतलब monopolistic competition एक इस तरीके के market structure या competition है जिसके अंदर सेलर्स बहुत सारे हैं. दे आर द प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट विच आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता. दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. सिंपल. मोनोपोली देर इज अ सिंगल सेलर. मोनोपोली देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट नॉट एज लार्ज एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में सेलर ज्यादा होते हैं बट परफेक्ट के कंपेरिजन में कम होते हैं. द मोनोपोली द प्रोडक्ट सोल्ड इन अ मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मतलब मोनोपोली के अंदर जो भी प्रोडक्ट पे डील किया जाता है उसके सब्स्टिट्यूट क्लोज नहीं होते. मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं है. द प्रोडक्ट सोल्ड आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर. यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है. मोनोपोली देर आर बैरियर्स टू एंट्री. लोगों के आने में, लोगों के मार्केट में एंटर करने पर पाबंदियां होती है बट मोनोपोलिस्टिक में देर इज नो बैरियर्स टू एंट्री. ठीक है, कोई भी आ सकता है, बिजनेस कर सकता है. डिफिकल्टीज में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए. मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.